राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा ने 1 जून से अनलॉक 1 के आरंभ होते ही युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बमसन ब्लॉक में शुरू कर दिया है। रविंद्र सिंह डोगरा ने टौनी देवी तहसील के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी, टौनी देवी बाजार तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को लगातार तीसरे दिन भी सैनिटाइज किया। रविंद्र सिंह डोगरा से सैनिटाइजेशन के बारे में पूछने पर कहा कि नियमानुसार क्रम से कम 3 दिन लगातार सैनिटाइजेशन तो एक जगह होनी ही चाहिए, इसीलिए उन्होंने टौनी देवी पुलिस चौकी, सरकारी स्कूल व टौनी देवी बाजार को 3 दिनों तक सैनिटाइज किया है, जिसका आज तीसरा दिन था। टौनी देवी में हमने सैनिटाइजेशन का काम पिछले 3 दिन से चलाया है, क्योंकि टाइम मानकों के हिसाब से कंटिन्यूसली 3 दिन तो सैनिटाइजेशन का काम होना ही चाहिए, जिसमें पुलिस चौकी, टौनी देवी का सारा बाजार और टौनी देवी का जो विद्यालय है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इन तीनों जगहों को हमने पूर्णतः सैनिटाइज किया है। आज हमारा तीसरा दिन था और अब इसके बाद हम हर हफ्ते में 2-2 बार यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम करते रहेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।